हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आप लोगों को स्वागत है अपना ही चैनल जेपीएससी विद अमन में। जैसे कि आपको पता है कि आप लोगों को 5 फरवरी की एग्ज़ाम है, आज 3 फरवरी है, तो चलिए इसलिए टाइम कम है, हम कोशिश करें कि जल्द से जल्द आप लोगों को क्लास अच्छा से ले लिया जाए, आप लोग भी इस क्लास से खुश हो जाए और सारा एग्ज़ाम में लिख दे। ये जो क्लास है कोर 12 पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 5 वाले स्टूडेंट के लिए है, जिनका सेशन 2021 से लेकर 2024 अनदर भी देख सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि जिसका क्वेश्चन ये नहीं है तो वो नहीं देख सकते, सब देख सकते, ठीक है। चलिए, आज का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप लोगों का, स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका का सबसे अनोखी संस्था का विवेचना करना। तो स्विट्जरलैंड का देखना है, तो चलिए देखिए, स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका जो है ब्रिटेन तथा अमेरिका से भिन्न है, ठीक है, और यह ना तो संसदीय कार्यपालिका है और ना ही अध्यक्षतात्मक कार्यपालिका है। इसकी कुछ अनोखी विशेषताएं हैं जिनका उल्लेख किया जाना आवश्यक है, ठीक है। तो पहला देखेंगे बहुकार्यपालिका, इसका यह स्विस संविधान की प्रमुख विशेषता, ठीक है। सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि इसका बहुल हो ना, यानी कार्यपालिका का नेतृत्व एक व्यक्ति के द्वारा ही किया जाना चाहिए। विश्व में अधिकांश राज्यों, राज्य मतलब देश में, ऐसी ही व्यवस्था है। संघीय परिषद का अध्यक्ष, जो सामान्य रूप से स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति के नाम से जाना जाता है, तो स्विट्जरलैंड के जो राष्ट्रपति हैं उनके नाम से बहुल जाना जाता है, बहुल कार्यपालिका को, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अस्थायी कार्यपालिका। तो संघीय परिषद के सदस्य 4 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, उनका कार्यकाल निश्चित और अस्थायी होता है, और संघीय सभा में उनकी नीति का विरोध या खंड होने पर उन्हें पद त्याग की आवश्यकता नहीं है, उसको पद त्याग करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट देखिए, सामूहिक उत्तरदायित्व का अभाव। संसदीय शासन पद्धति में मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होता है, वे सभी सदस्य एक साथ तैरते और डूबते हैं, लेकिन स्विस संघीय परिषद में सदस्यों को उत्तरदायित्व व्यक्तिगत ही होता है, जो सामूहिक नहीं होता है। जैसे और सब में सामूहिक होता है, जैसे सबका खराब हुआ तो उसका भी, लेकिन व्यक्तिगत होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं, औपचारिक कार्यों की उपेक्षा, सॉरी अपेक्षा ठोस कार्य अधिक। तो स्विट्जरलैंड की जो कार्यपालिका के सदस्य व्यर्थ की भाषणबाजी तथा समारोह पर अपना समय नहीं गंवाते हैं, आपूर्ति उनकी कार्य ठोस धरातल पर होते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रधानमंत्री का अभाव। लगभग सभी देशों में जहाँ संसदनात्मक शासन प्रणाली पाई जाती है, मंत्रिमंडल का अध्यक्ष एक प्रधानमंत्री अध्यक्ष जो होता है, एक प्रधानमंत्री होता है यहाँ, लेकिन यह स्विट्जरलैंड में नहीं होता है। राष्ट्र की परंपराओं का रक्षक। स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका सभी प्रकार के मतभेदों को समझौते के माध्यम से दूर करती, जितने भी समझौते होंगे उनके माध्यम से ये दूर कर देते हैं। तो जितने भी स्विट्जरलैंड के जो ये आपका जो कार्यपालिका का जो अनोखी संस्था था, इनके लिए हम सारे जो जो मेन मेन पॉइंट था, 6 पॉइंट था, वो हम आप लोगों को डिफाइन कर दिए। देखिए, हर क्वेश्चन को ज़्यादा लॉन्ग करके डिफाइन करना बहुत टफ है, कोशिश करते हैं अधिक से अधिक समझाने का, ताकि देखिए सब चीज़ आप लोग कोशिश कीजिए कि अच्छा से समझना है, और जो चीज़ समझ जाइएगा वो चीज़ को आप लोग खुद से भी बढ़ा करके लिख सकते हैं। और हम कोशिश की जितना हमको समझ में आया उसको हम लिख दिए, और अच्छा से समझाने की भी कोशिश अपने तरफ से की है। तो आप लोगों को बस इतना ही दुआ है कि इस चैनल पर बने रहिए, और आप इस चैनल से सभी क्लासेस को देखिए और अपने भविष्य को सुधारिए और अच्छा से सेमेस्टर का रिजल्ट लाइए, है ना। और हम भी कोशिश आप ही लोगों के लिए कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।